हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सो दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ द प्लास्टिक एनालिसिस। इसमें अभी तक आपको जो भी करवाया गया है उसमें अगर किसी को डाउट है तो वो डिस्कस कर सकता है। टिल नाउ व्हाट वी हैव कवर्ड इन द क्लास यू कैन डिस्कस विथ मी। इज देयर एनी प्रॉब्लम? गुड इवनिंग टू ऑल एवरीवन। क्विक ज्वाइन फास्ट, आस्क योर फ्रेंड टू ज्वाइन ताकि सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। एवरीवन प्लीज डू इट। चलिए जी, ओके। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं सेशन को, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने क्या देखा था, किस तरीके से हमने जो है उसको कंसेप्ट डेवलप किए थे और क्या क्या हमने पैरामीटर या टर्मिनोलॉजी हमने यूज करी थी, वो सारे पॉइंट को हम लोग एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं और फिर उनके मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या होंगे वो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। और उन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन का क्या मीनिंग होता है, उसमें जो नोटेशन यूज किए गए उनका क्या मीनिंग होता है, कैसे वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में डिस्कस होगी। ओके, सो इस क्लास के अंदर हम लोग ओनली आज की क्लास में यही देखने वाले हैं। दूसरा, इसके अलावा हम लोग मोमेंट वर्सेज कर्वेचर रिलेशनशिप देखेंगे कि भी मोमेंट क्या होता है, कर्वेचर क्या होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, किस तरीके से एक दूसरे से कोरिलेट किया जा सकता है, कहाँ पे कर्वेचर ज्यादा होगा कहाँ पे कम होगा और कर्वेचर का मोमेंट से क्या लेना देना है, मतलब क्या उसका मोमेंट अगर कम और ज्यादा करता हूं तो कर्वेचर पे क्या इफेक्ट होता है, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो बिफोर मूविंग द नेक्स्ट पार्ट, लेट मी रिकॉल द प्रीवियस क्लास। इन दैट क्लास व्हाट आई एक्सप्लेन दैट if suppose I have a beam, rectangular beam, on which a transverse load is acting, due to that transverse load, the beam will bend in the longitudinal plane. Due to that bending, the bending stress will develop. मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस अकर एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द सेक्शन, ठीक है जी। तो इसमें ये क्या, जो मैंने यहाँ पे जो भी वर्डिंग मैंने यूज करी उसके अंदर हमने क्या देखा था, सपोज आई हैव दिस बीम, बीम हैविंग द लेंथ एल, मैं थोड़ा डेप्थ ज्यादा शो कर रहा हूं, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। When I am going to apply the transverse load, due to this transverse load, the beam will bend in longitudinal plane like this. When the beam bent in longitudinal plane, then I can say there will be bending stress up and bending stress down. ऊपर जो होगा bending compressive stress होगा, नीचे जो होगा bending tensile stress होगा। अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास में बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा। दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम एंड दिस इज गोइंग टू बी द लीनियर, ऑल वी नो दैट। तो ये डायग्राम जो ड्रॉ किया गया है वो ड्रॉ किया गया है बाय यूजिंग द फ्लेक्सुरल इक्वेशन। सो द एम अपॉन आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू ई बाय आर। Here it is the flexural equation. So in this equation I can say F is the bending stress which can be given by M upon I into Y. Particular किसी एक moment के लिए और किसी भी एक cross section के लिए bending stress का value Y पे depend करेगा। Y is the
डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस कि आपको बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ मेजर करना है, यहाँ मेजर करना है, यहाँ मेजर करना है, यहाँ मेजर करना है। फाइबर का जो लोकेशन दिया जाएगा वो लोकेशन दिया जाएगा वाई के द्वारा और ये मेजर किया जाता है न्यूट्रल एक्सिस से। सो हियर आई कैन से द बेंडिंग स्ट्रेस विल डेवलप मैक्सिमम एट द टॉप एंड बॉटम एंड ये पर्टिकुलर मोमेंट के लिए वैल्यू दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने मोमेंट की तीन कंडीशन देखी थी। पहली कंडीशन हमने देखा m का वैल्यू, एक पर्टिकुलर m के लिए मेरे पास में स्ट्रेसेस का वैल्यू fy से कम है, यानी कि इलास्टिक रेंज के अंदर है, प्योरली WSM की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो मोमेंट होगा वो तुम्हारा सेफ मोमेंट माना जाएगा, दैट इज द सेफ मोमेंट। फर्दर आप लोड इंक्रीज करते हो, लोड इंक्रीज करने से यहाँ पे स्ट्रेसेस f की जगह fy पहुंच जाएगी, f इज इक्वल टू fy, स्टिल इट इज इन और एट द इलास्टिक रेंज। सो हियर आई कैन से यहां तक मैं WSM को परफेक्टली यूज कर सकता हूं, बट यहां पे चूंकि एक्सट्रीम फाइबर में स्ट्रेसेस FY पहुंच चुकी हैं, तो यहां पे जो मोमेंट होगा वो मोमेंट हो जाएगा यील्ड मोमेंट, ये हो जाएगा यील्ड मोमेंट, यील्ड मोमेंट, ठीक है। फर्दर जब आप लोड इंक्रीज करते हो तो लोड इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो फाइबर, अब यहां से WSM खत्म हो चुका है, अब हम प्लास्टिक एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो यहां से आगे फर्दर लोड इंक्रीज करते हैं तो प्लास्टिक एनालिसिस ये कहता है कि जो फाइबर FY पहुंच चुका है वो फाइबर अब लोड नहीं लेगा, वो ओनली एलोंगेट होगा। द लोड विल बी कैरीड बाय द फाइबर विच इज इन इलास्टिक रेंज, यानी कि ये वाले फाइबर लोड लेंगे, यानी कि ये वाले फाइबर लोड लेंगे। कब तक लोड लेंगे? जब तक ये सारे फाइबर FY नहीं पहुंच जाते। तो आप लोड इंक्रीज करते जा रहे हो, तो जैसे जैसे आप लोड इंक्रीज करते जा रहे हो तो आपके पास में ये सारे फाइबर FY तक पहुंचते जाते हैं। एक लोड का वैल्यू ऐसा आता है कि यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस वाला फाइबर भी FY पे पहुंच जाता है, उस टाइम जो मोमेंट होता है वो मोमेंट कहलाता है MP, प्लास्टिक मोमेंट। क्यों कहलाता है प्लास्टिक मोमेंट? क्योंकि अब इस क्रॉस सेक्शन के, अगर मैं कोई भी एक क्रॉस सेक्शन लेता हूं तो उस क्रॉस सेक्शन के सारे फाइबर जो है वो प्लास्टिक यील्डिंग जोन में आ चुके हैं, प्लास्टिक यील्डिंग जोन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो मोमेंट होगा वो प्लास्टिक मोमेंट कहलाया जाएगा और ये प्लास्टिक एनालिसिस से दिया जाएगा। सो दैट इज द प्लास्टिक मोमेंट, दैट इज द प्लास्टिक मोमेंट। सो यहाँ पे अगर मैं तीनों के डिसेंडिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूं, सेफ मोमेंट, यील्ड मोमेंट और प्लास्टिक मोमेंट में, अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करता हूं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा तुम्हारे पास में सबसे ज्यादा मोमेंट होगा MP, उससे कम मोमेंट होगा MY, सबसे कम होगा मोमेंट M। सो हियर आई कैन से कि सबसे ज्यादा होगा MP, उससे कम होगा MY एंड सबसे कम होगा M। ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर है मोमेंट को लेके और ये जनरली तुम्हें एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। सो कीप इन माइंड, यहां तक हम लोग क्लास में, कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कोई डाउट हो बताइए किसी को भी, यहां तक किसी को भी डाउट हो तो बताइए, एनीवन प्लीज। चलिए, तो यहां तक कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग इज ओके ऑडियो एंड वीडियो, इज देयर एनी प्रॉब्लम? कुछ पॉइंट आ रहे हैं, इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्लियर है जी? चलिए चलिए। सो ओके, चलिए कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप। सो द नेक्स्ट पार्ट इज मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप।
तो मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप जो दिया जाता है वो दिया जाएगा तुम्हें फ्लेक्सुरल इक्वेशन से, वो दिया जाएगा तुम्हें फ्लेक्सुरल इक्वेशन से, और फ्लेक्सुरल इक्वेशन जो तुम्हें दी जाती है वो दिया जाएगा एम अपॉन आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू ई बाई आर इज इक्वल टू ई बाई आर, ये तुम्हें इक्वेशन दी जाती है। इस इक्वेशन में आप अच्छे से जानते हैं एम डिनोट फॉर द मोमेंट, I denote for the moment of inertia, Y denote for the bending stress, E denote for the Young's modulus of elasticity, R denote for the radius of curvature, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, ये सारे नोटेशन आप अच्छे से जानते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं R, R हो जाएगा radius of curvature, radius of curvature ऑफ बेंट अप बीम, यानी कि जो बीम बेंट हो चुकी है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया जाएगा आर के द्वारा, एंड वन बाय आर दिया जाता है कर्वेचर, वन बाय आर दिया जाएगा कर्वेचर, ठीक है। वाई दिया जाएगा डिस्टेंस ऑफ द फाइबर, डिस्टेंस ऑफ द फाइबर, डिस्टेंस ऑफ द फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ, फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें कि मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप के अंदर अगर मुझे देखना है, यानी कि 1 by r और मोमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, तो मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि मेरे पास में इक्वेशन जो लिखा गया वो इक्वेशन हो जाएगा m upon i is equal to f upon y is equal to e by r। तो मैंने पहले इन दोनों को यूज किया, इन दोनों को यूज किया, तो जब मैं इन दोनों को यूज करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगा 1 by r is equal to e up, sorry, 1 by r is equal to f upon e y, f upon e y, ये हो जाएगा आपके पास में 1 by r कर्वेचर का वैल्यू लाइक दिस, सो दैट इज द वन, ठीक है जी। तो ये आपके पास में दिया जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हो जाएगा F। अब अगर मैं इन दोनों पार्ट को अगर यूज करता हूं तो मेरे पास में क्या इक्वेशन लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 1 by R is equal to M upon EI, M upon EI। तो कर्वेचर जो है वो दो तरीके से दिया जा सकता है, एक दिया जा सकता है F upon EY से, दूसरा दिया जा सकता है M upon EI से, ये दोनों ही तुम्हें कर्वेचर का वैल्यू देंगे। तो मेरे पास में इन दोनों में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास मोमेंट को लेके बात किया जाएगा तब ये इक्वेशन यूज करेंगे, और बेंडिंग स्ट्रेस को लेके बात किया जाएगा तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। अब अगर हम इसमें आगे बढ़े तो मेरे पास में क्या होगा, मेरे पास में मोमेंट जो है वो मोमेंट होते हैं तीन तरीके के, एम, एम वाई एंड एम पी, सेफ मोमेंट, यील्ड मोमेंट एंड प्लास्टिक मोमेंट। इन तीनों को लेके कर्वेचर क्या बनेगा वो हमें देखना है। तो मान लीजिए मेरे पास में कोई भी एक बीम सेक्शन गिवन था, दैट इज द बीम सेक्शन, सिंपली सपोर्टेड बीम। जब इस पे आप लोड अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आपने कोई भी लोड अप्लाई किया, पॉइंट लोड या यूडीएल लोड, व्हाटएवर भी, तो इसका अगर आप कर्वेचर शेप बनाएंगे तो कर्वेचर शेप बनेगा कुछ ऐसे, कर्वेचर शेप बनेगा कुछ ऐसे, दैट इज द कर्वेचर शेप। अब ये जो कर्वेचर बना है, ये जो कर्वेचर से बना है जिसको इलास्टिक कर्व भी बोल सकते हैं हम, ये कर्वेचर जो बना है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 by r is equal to m upon ei, या फिर f upon, या फिर क्या लिख सकते हैं, f upon ey, f upon ey, यहाँ पे सेम एज इट इज लिखा जाएगा। तो यहाँ पे m हो जाएगा सेफ मोमेंट, यहाँ पे m क्या हो जाएगा, सेफ मोमेंट। तो सेफ मोमेंट पे जो कर्वेचर दिया जाएगा वो दिया जाएगा 1 by r is equal to m upon ei और f upon e, f upon, f upon क्या होगा, f upon ey, ये हो जाएगा y, सॉरी ये y लिखा जाएगा, दिस इज y, f upon ey। अब अगर हम इसके अंदर जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे, तो लोड बढ़ाएंगे तो मेरे पास में क्या होगा, मेरे पास में यील्ड मोमेंट आएगा,
यील्ड मोमेंट पहुंचेगा। तो यील्ड मोमेंट के लिए अगर हम डायग्राम बनाएं तो डायग्राम कैसा हो जाएगा, ये आपके पास में कोई भी बीम है, दैट इज आल्सो द सिंपली सपोर्टेड बीम, दैट इज आल्सो द सिंपली सपोर्टेड बीम अज्यूमिंग एनी लोड इज एक्टिंग। तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो इसका जो डिफ्लेक्टेड से बन रहा है वो डिफ्लेक्टेड यानी कि इलास्टिक कर्व जो बन रहा है वो कुछ ऐसा बनेगा। अभी भी ये इलास्टिक कर्व होगा, अभी भी ये इलास्टिक कर्व होगा। तो इसका कर्वेचर जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 1/r इज इक्वल टू एम की जगह हो जाएगा एम वाई यील्ड मोमेंट, यील्ड मोमेंट डिवाइडेड बाय ई आई, और एफ की जगह हो जाएगा एफ वाई, एफ वाई, और ये हो जाएगा ई इंटू वाई। तो यहां पे तुम्हारे पास में यहां पे ये जो मोमेंट लिखा गया वो मोमेंट लिखा गया यील्ड मोमेंट, दैट इज द यील्ड मोमेंट, ये हो जाएगा यील्ड मोमेंट, और ये स्ट्रेसेस हो जाएगी, यील्ड स्ट्रेस होगी। इसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो आपके पास में कर्वेचर जो होगा वो कर्वेचर दिया जा रहा कुछ इस तरीके से, वो दिया जा रहा कुछ इस तरीके से। लुक एट दिस, दिस इज अवर, तो ये कर्वेचर हो जाएगा तुम्हारे पास यील्ड मोमेंट के करस्पोंडिंग, और ये कर्वेचर हो जाएगा तुम्हारे पास सेफ मोमेंट के करस्पोंडिंग। अब अगर हम प्लास्टिक मोमेंट की बात करें तो प्लास्टिक मोमेंट पे हम ये जानते हैं कि जहां पे प्लास्टिक मोमेंट पहुंचेगा यानी कि जिस लोड पे एमपी पहुंचेगा वहां पे प्लास्टिक हिंज डेवलप हो जाएगा, और प्लास्टिक हिंज डेवलप होने का मतलब ये हुआ कि वो मेंबर रोटेट कर जाएगा। कैसे, तो वो देखिए, अज्यूमिंग कि आपके पास में ये कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, दिस इज द सिंपली सपोर्टेड बीम, और ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे आप इसके ऊपर कोई भी एक लोड अप्लाई कर रहे हैं, अज्यूमिंग देयर इज अ लोड। जब लोड अप्लाई करते हैं तो आपने मोमेंट इतना पहुंचा दिया यानी कि लोड इतना लगा दिया कि मोमेंट जो है वो कहां तक पहुंच चुका है, एमपी मोमेंट तक पहुंच चुका है। तो जैसे ही एमपी मोमेंट पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, प्लास्टिक हिंज, और जैसे ही प्लास्टिक हिंज जनरेट हो जाता है तब उस केस में ये बॉडी क्या करेगा, रोटेट करना शुरू कर देगा, ये बॉडी रोटेट करना शुरू कर देगा। सो दिस बिकम, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में एमपी मोमेंट, और इसको हम बोलेंगे प्लास्टिक हिंज, ये हो जाएगा पीएच प्लास्टिक हिंज, ठीक है ना। तो ये होता है प्लास्टिक हिंज। तो यहाँ पे तुम्हारे पास में कर्वेचर जो बनेगा वो कर्वेचर कैसा बनेगा, तो कर्वेचर के लिए अगर मैं वैल्यू देखता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए अगर मैं कर्वेचर के लिए वैल्यू देखता हूं तो क्या होगा, तो मेरे पास में इक्वेशन दिया जाता है एम अपॉन आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई, एम अपॉन आई इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो मैं यहां पे अगर इक्वेशन देख रहा हूं 1/r इज इक्वल टू एफ अपॉन ई वाई, ई वाई, y का वैल्यू क्या होता है, हम लोग न्यूट्रल एक्सिस से मेजर करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस व्हेन ऑल द फाइबर हैज रीच्ड द स्ट्रेस fy। यहां पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं तो क्या होगा दोस्तों, मेरे क्वेश्चन का मतलब जानिए, ये आपके पास में कोई भी एक क्रॉस सेक्शन गिवन है, ये तुम्हें क्रॉस सेक्शन गिवन है, और इस क्रॉस सेक्शन के अंदर आपने सबसे पहले बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनाया, ऐसा बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बना ऐसा, लुक एट दिस, ये आपने बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनाया। तो जो भी आप बात कर रहे हो, बात कर रहे हैं यहां से, दैट इज द वाई डिस्टेंस, दैट इज द वाई डिस्टेंस। तो जैसे ही ये वैल्यू एफ वाई पहुंच जाता है, वाई क्या कहेगा कि भाई डी बाई टू यानी कि हाफ ऑफ डेप्थ, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर पर हाफ ऑफ डेप्थ हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेस पहुंच चुका है। अब अगर मैं कहता हूं आपको कि भाई ये बॉटम वाले फाइबर, ये बॉटम वाले फाइबर भी एफ वाई तक पहुंच गए हैं, बॉटम वाले फाइबर भी एफ वाई तक पहुंच गए हैं, ऐसा करके कुछ, तब उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास में जो वाई का वैल्यू दिया जाएगा वो वाई का वैल्यू दिया जाएगा कुछ ऐसे, वाई का वैल्यू दिया जाएगा कुछ ऐसे, ये वाई का वैल्यू होगा कि ओनली ये वाले इलास्टिक रेंज में बाकी सारे एफ वाई पहुंच चुके हैं। फिर लोड अप्लाई करेंगे, तो मेरे पास में फिर लोड अप्लाई किया तो मेरे पास में क्या हुआ कि एक सिचुएशन ऐसा आ गया कि मेरे पास में ऐसे कुछ सेक्शन बन गया, ये वाले फाइबर भी एफ वाई पहुंच चुके हैं,
इस टाइम y का वैल्यू क्या होगा, इस टाइम y का वैल्यू हो जाएगा आपके पास में दिस वन, ये y का वैल्यू होगा। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि जब मेरे पास में मोमेंट mp पहुंच जाता है उस टाइम y का वैल्यू क्या होगा। जब आपके पास में मोमेंट mp पहुंच जाता है उस टाइम जो है आपके पास में y का वैल्यू क्या होगा, उस टाइम y का वैल्यू क्या होगा। जब आपके पास में मोमेंट mp पहुंच जाता है तब आपके पास में y का वैल्यू क्या होगा, ये बताइए एवरीवन क्विक। तब उस टाइम y का वैल्यू क्या होगा, ऐसी बात है सर। अगर आप mp मोमेंट की बात कर रहे हो तो mp मोमेंट का मतलब ये जानते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस वाला फाइबर भी मेरे पास में क्या पहुंच चुका है, fy पहुंच चुका है, यानी कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब y का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि y टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं तो ये हो जाएगा व्हेन y टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो देन, देन अगर y का वैल्यू जीरो की तरफ अगर बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा 1 बाई आर इज इक्वल टू लिमिट लिमिट y टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो और f अपॉन ई वाई हो जाएगा, जिसमें y का वैल्यू जीरो की तरफ जा रहा है तो ये क्या दे देगा, 1 बाई आर को दे देगा इनफाइनाइट। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 बाई आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट द फुल्ली प्लास्टिक स्टेज, एट द फुल्ली प्लास्टिक स्टेज कर्वेचर इज द इनफाइनाइट, कर्वेचर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। हाँ है ना, कोई डाउट हो बताओ इसमें किसी को। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास में कर्वेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसको हम नोट करके लिख लेते हैं, एट फुल्ली प्लास्टिक स्टेज, नोट करके हमने लिख दिया एट फुल्ली प्लास्टिक स्टेज, फुल्ली प्लास्टिक स्टेज, एट फुल्ली प्लास्टिक स्टेज कर्वेचर इज, कर्वेचर इज इनफाइनाइट, कर्वेचर इज इनफाइनाइट। ठीक है ना, अब यहां पे तुम्हारे पास में एक डाउट आ सकता है कि सर इनफाइनाइट कर्वेचर का मतलब क्या है, इनफाइनाइट कर्वेचर का मतलब क्या है। चलिए इससे पहले शिव गुप्ता जी को डाउट है, सर बेंडिंग इक्वेशन हम इलास्टिक रेंज तक ही लगा सकते हैं ना, तो इसमें क्यों लगा रहे हैं प्लास्टिक रेंज में। गुप्ता जी का डाउट है कि सर हम जो है इस इक्वेशन को कहां तक अप्लाई कर सकते हैं, इलास्टिक रेंज तक अप्लाई कर सकते हैं। तो गुप्ता जी एक चीज बताओ, हमने जो सेक्शन, जिस फाइबर के लिए हम लोग सेक्शन देख रहे हैं वो फाइबर किसमें है, यानी कि जैसे जैसे मैं वाई का वैल्यू कम करते जा रहा हूं इसका मतलब मैं किस फाइबर के लिए जो है इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं। शिव गुप्ता, जैसे जैसे मैं वाई का वैल्यू कम करते जा रहा हूं, वाई का वैल्यू कम करने का कारण क्या हो गया कि मेरे पास में इलास्टिक रेंज के अंदर इतना सा पार्ट ही बचा है, तो जिसके ऊपर वाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा, y का वैल्यू जीरो हो जाएगा वहां पे ये इक्वेशन भी फिनिश हो जाएगी। अब ये प्लास्टिक में चला गया, ठीक है दोस्त। हाँ, तो जो पार्ट इलास्टिक में है उसी के लिए हम लोग इसको लिख रहे हैं, जो पार्ट प्लास्टिक में है उसके लिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो जैसे ही न्यूट्रल एक्सिस के वाला फाइबर fy पहुंच जाता है तो हम कह देते हैं कि मेरे पास में जो ये पैराबोलिक कर्व बन रहा था अब वो क्या हो गया, मैकेनिज्म में कन्वर्ट हो गया, इस तरीके से हो गया। ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया। यहां पे एक डाउट हो रहा है, डिफरेंस इन आर रेडियस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, बताओ यार क्या डिफरेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस में क्या डिफरेंस होता है। आप खुद इसके बारे में सोम के अंदर जब आपको ये बताया गया था तो आप लोगों ने इसको अच्छे से सीख लिया होगा। देखिए कर्वेचर दिया जाता है, कर्वेचर का मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, कर्वेचर दिया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप अलोंग द लेंथ ऑफ बीम। ठीक है बोलो, तो ये दिया गया है कर्वेचर जो दिया जाता है वो दिया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम, और रेडियस होता है कर्व्ड बीम का कितने रेडियस से बेंट हुआ है,
दैट इज द वन। एट फुल्ली प्लास्टिक स्टेज the radius the fully plastic stage curvature is infinite, curvature is infinite। तो curvature infinite होने का मतलब ये हो गया कि rate of change of slope क्या है, बहुत ज्यादा है। curvature infinite होने का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया means rate of change of slope, change of slope is very high, is very high। rate of change of slope क्या है, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब बहुत ज्यादा किसके comparison में, ये comparison होगा elastic curve के comparison में। ये हम कह रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा तो हम जानते हैं comparative parameter होता है, तो ये बहुत ज्यादा किसके respect में, ये बहुत ज्यादा respect में है elastic curve के respect में, ठीक है ना। तो ये आपके पास में point हो जाएगा मोमेंट एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर को लेके। तो यहां पे मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं एक बार वापस, कंक्लूजन कर लेते हैं। कंक्लूजन करेंगे तो मेरे पास में ये एक बीम हो गया और यहां पे आपके पास में मोमेंट हो जाएगा कुछ ऐसा, ये हो जाएगा सेफ मोमेंट के करेस्पॉन्डिंग, सेफ मोमेंट के करेस्पॉन्डिंग यानी कि एम के करेस्पॉन्डिंग। अगर आप जो है यील्ड मोमेंट देखेंगे तो यील्ड मोमेंट के लिए भी आपके पास में कर्वेचर जो होगा वो कुछ ऐसे होगा, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा कर्वेचर देगा, ये हो जाएगा यील्ड मोमेंट के करेस्पॉन्डिंग। और जैसे ही प्लास्टिक के लिए होगा, जैसे ही आप प्लास्टिक के लिए बात करोगे तो प्लास्टिक के अंदर तुम्हारे पास में डायग्राम बन जाएगा कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो ये आपके पास में प्लास्टिक पे एमपी पे ये आपके पास में डिफ्लेक्टेड शेप हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लास्टिक मोमेंट पे, दैट इज फॉर प्लास्टिक मोमेंट, और ये हो जाएगा एमपी पे। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये दोनों इलास्टिक कर्व हैं, ये दोनों इलास्टिक कर्व हैं, दैट इज फॉर इलास्टिक कर्व, या इसको आप पैराबोलिक कर्व बोल सकते हैं। ये दोनों ही इलास्टिक रेंज के अंदर हैं, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस Fi तक नहीं पहुंची हैं। तो जैसे इलास्टिक वर्ड लिख दिया गया तो यहाँ पे इलास्टिक की पूरी थ्योरी के जो कंसेप्ट है वो इन पे एप्लीकेबल होंगे, यानी कि अगर मैं कहूँ सोम जो है इसके ऊपर प्योरली एप्लीकेबल होगा तो गलत नहीं होगा, दैट इज द कंक्लूजन। अब यहाँ पे किसी को डाउट हो तो बताइए, कोई भी यहाँ पे किसी को डाउट हो तो बताइए, एनीवन प्लीज, एनीवन, यस और नो, फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, आई एम वेटिंग फॉर आंसर, ताकि मैं इसमें आगे मूव कर सकूं। ओके चलिए, तो मान लेते हैं आपको कोई डाउट नहीं है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे बढ़ने से पहले यानी कि मुझे अब मोमेंट का और इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस का क्या सेंस होता है, क्या मीनिंग होता है, वहां पे आगे जाने से पहले लेट मी अनाउंस यू समथिंग। तो उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों कि देखिए मैं कुछ अनाउंसमेंट कर रहा हूं, प्लस पे फिफ्थ ऑफ अक्टूबर से स्ट्रक्चरल एनालिसिस यानी कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर स्टार्ट होने वाला है। प्लस पे जो है वो फिफ्थ ऑफ अक्टूबर से स्ट्रक्चरल एनालिसिस स्टार्ट होने वाला है और इसका क्लास का टाइमिंग जो रखा गया है वो रखा गया मॉर्निंग में 7 to 9। So, यहाँ पे किसी को इस टाइम के अंदर प्रॉब्लम नहीं हो सकता, सारे बच्चों के लिए यहाँ पे कोई कॉलेज वगैरह कुछ काम नहीं होता है, तो आप लोग इसको अच्छे से सीख भी सकते हैं आराम से बिल्कुल फ्रेश माइंड से, ठीक है ना। क्वेश्चन हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे आप इसको 100% अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ये 5th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होगा प्लस पे,
और प्लस पे आपको आने के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के लिए आपको कोड यूज करना है, दैट इज द BL20। सो जल्दी से जल्दी इस प्लान को लीजिए क्योंकि नेक्स्ट मंथ के अंदर फीस जो है वो बढ़ने वाला है। तो अब अननेसेसरीली अगर आपको ज्यादा फीस पे करना है देन यू कैन वेट, अदरवाइज टेक द प्लान वेरी क्विक। दूसरी चीज ये तो हो गया पहला। दूसरी चीज मॉर्निंग के अंदर एवरीडे मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग के अंदर जो है स्पेशल क्लास होता है, अनअकैडमी पे, अनअकैडमी ऐप पे स्पेशल क्लास होता है और ये फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं है इसका। यहाँ पे भी मैं आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस करवा रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे देखिए हम लोग प्लस पे कैसा करवाएंगे, कितना डेप्थ में जाएंगे, किस तरीके से आपसे इंटरेक्ट करेंगे, उसका ये मान लीजिए एक तरीके से डेमो ही है। यहाँ पे जितना करवाया जाएगा उससे क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा होगी बट कंसेप्ट जो है लगभग बराबर ही रहेंगे। यहाँ पे मैं वही करवा रहा हूँ जो प्लस पे करवाने वाला हूँ, बट नंबर ऑफ द क्वेश्चंस एंड इंटरेक्शन का तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है वो कितना करते हैं। तो ये मॉर्निंग के अंदर टाइमिंग रहता है इसका, और इस क्लास का टाइमिंग जो है वो हो जाएगा 10:30 से 12, डेढ़ घंटे का ये क्लास रहता है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास चलता है, ठीक है। कल इस क्लास के अंदर मैं इंट्रोडक्शन के यानी कि बेसिक्स एंड स्टैटिक एंड काइनेमेटिक एंड डिटरमिनेसी के गेट के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो सोल्व होंगे गेट के अंदर। गेट में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं बेसिक से, इंट्रोडक्शन से और स्टैटिक एंड डिटरमिनेसी को लेके सारे क्वेश्चन कल इस क्लास में सोल्व होंगे 10:30 से 12 वाली क्लास के अंदर। सो इट इज हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप लोग इस स्पेशल क्लास को तो एटलीस्ट अटेंड करें। दिस इज द फ्री क्लास, वेर एवर यू फील डाउट यू कैन डिस्कस विथ मी, ठीक है। जो लोग इस क्लास में आ रहे हैं दे आर गेटिंग समथिंग न्यू, ओके जी। ये दो अनाउंसमेंट है जो आप लोगों के लिए, और इसके अंदर मैं चाहता हूँ आप सब लोग जो है प्लस पे आए ताकि आपको बहुत अच्छे से सब्जेक्ट को हम करवा सके जितना हम आपको बताना चाहें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो पॉइंट हो जाएगा यहां पे हमने देखा मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अपना मोमेंट कैलकुलेशन कि हमारे पास सेफ मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, यील्ड मोमेंट, प्लास्टिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या थ्योरी है उनको लेके, वो सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा मोमेंट कैलकुलेशन। तो मोमेंट कैलकुलेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास में सबसे पहले जो मोमेंट आएगा वो मोमेंट हो जाएगा मेरे पास में सेफ मोमेंट। सबसे पहले हो जाएगा सेफ मोमेंट। तो सेफ मोमेंट को लेके हम ये जानते हैं कि सेफ मोमेंट के अंदर हमारे पास में दैट इज द मोमेंट एम, और सेफ मोमेंट हम ये जानते हैं कि हमारे पास में बेंडिंग स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है वो लेस देन FY होता है। जब ये लेस देन FY है इसका मतलब ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है, सुनना ध्यान से, इलास्टिक लिमिट के अंदर है, ठीक है। जब मैं यील्ड मोमेंट लिखूंगा तो वहां पे मैं लिखूंगा इलास्टिक रेंज के अंदर है, यहाँ पे इलास्टिक लिमिट लिख रहे हैं क्योंकि ये F का वैल्यू कम है FY से, ठीक है जी। तो ये मेरे पास में एक पॉइंट आया। दूसरा अगर इसके लिए मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो दिस इज द सेक्शन, ये आपके पास में कोई सेक्शन है, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, एंड इसके लिए अगर हम बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करेंगे सो ऑल ऑफ यू नो दैट the extreme fiber पे जो stresses होगा वो हो जाएगा F, that is less than FY, यहाँ पे हो जाएगा F, that is less than FY, यहाँ पे हो जाएगा width B, and ये हो जाएगा neutral axis,
तो यहां पे अगर हम बात करें दोस्तों तो न्यूट्रल एक्सिस कौन सा होगा? अब यहां पे अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास में सेफ मोमेंट के अंदर इलास्टिक थ्योरी वर्क करती है, इलास्टिक थ्योरी। तो यहां पे इलास्टिक थ्योरी अगर वर्क कर रही है तो हम कह सकते हैं कि यहां पे न्यूट्रल एक्सिस जो होगा वो इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कहलाई जाएगा, और इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस सेक्शन के सीजी से पास होती है, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस सेक्शन के सीजी से पास होती है। यानी कि सोम में आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने जो न्यूट्रल एक्सिस निकालना सीखा है वो इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस ही है, और वो सेक्शन के सीजी से पास होती है। तो यहाँ पे मेरे पास में सेक्शन जो हो जाएगा विड्थ हो गया बी और डेप्थ हो जाएगा डी, डेप्थ हो जाएगा डी। तो इसके लिए अगर हम देखें दोस्तों तो तुम्हारे पास बी और डी का सेक्शन बना हुआ है, और बी और डी के सेक्शन के लिए अगर हम इसका इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस देखेंगे तो वो तुम्हें देगा डी बाई टू पे। तो ये हो जाएगा डी बाई टू और ये हो जाएगा तुम्हारे पास डी बाई टू, दैट इज द डी बाई टू, डी बाई टू। अब इस बेंडिंग कंप्रेशन यानी कि बेंडिंग कंप्रेशन में जो मटेरियल है वो कितना कंप्रेसिव फोर्स रजिस्ट करेगा वो रेजिस्टेंस दिया जाएगा इसके द्वारा, दैट इज द सी। बेंडिंग टेंशन में जो मटेरियल है वो कितना फोर्स रेजिस्ट करेगा वो दिया जाएगा इसके द्वारा, टी के द्वारा। तो यहां पे हो जाएगा सी एंड यहां पे हो जाएगा टी, दैट इज द वन। अब सी हो जाएगा रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स रजिस्टर्ड बाय कंप्रेशन मटेरियल, टी हो जाएगा रिजल्टेंट टेंसाइल फोर्स रजिस्टर्ड बाय टेंसाइल मटेरियल, यानी कि टेंशन में जो मटेरियल है उसके द्वारा कितना टेंसाइल फोर्स रजिस्ट हो रहा है वो टी के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आप लोग अच्छे से जानते हैं, मैंने आरसीसी के सिंगली वाले मैराथन सेशन के अंदर मैंने आपको रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के दो कंसेप्ट आपको बताए थे। जिन्होंने मेरा मैराथन सुना है, अटेंड किया है क्लास के अंदर, उनको ये अच्छे से पता है कि भाई रिजल्टेंट निकालने के दो तरीके होते हैं। मैकेनिक्स से मैंने आपको बताया था, वो क्या बताया था मैंने, तो मैं यहाँ पे मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ पहले। तो अगर आपको कहीं पे भी रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स अगर निकालना है तो आप अच्छे से जानते हैं कि भाई सिग्मा इज इक्वल टू होता है पी बाई ए, तो फोर्स इज इक्वल टू यानी कि पी इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू सिग्मा, यही कंसेप्ट है आपका। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे पास में दो केस बन सकते हैं। रिजल्टेंट फोर्स ये सबके लिए होगा, चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो, स्टील, आरसीसी, सोम, टोस, सोइल, कहीं पे भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, कहीं पे भी अगर आपको फोर्स का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तब उस केस में दो तरीके होते हैं। पहला, इफ स्ट्रेस डायग्राम, मैं यहां पे स्ट्रेस लिख देता हूं, इफ स्ट्रेस डायग्राम इज कांस्टेंट, अगर स्ट्रेस डायग्राम कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैसे, ये तुम्हारे पास में एक्स और वाई एक्सिस है और कर्व जो बना है तुम्हारे पास में या तो ऐसे बना है या फिर ऐसे बना है, दैट इज द कांस्टेंट। अगर ऐसा कुछ बना है और लीनियर, और लीनियर लीनियर का मतलब ये हो गया कि अगर तुम्हारे पास में एक्स और वाई एक्सिस अगर ये है और यहाँ पे कर्व जो तुम्हारे पास बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, दैट इज द लीनियर, आइदर दिस वे, आइदर दिस वे या कैसे भी, बट द पार्ट इज द लीनियर, लीनियर होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे हम लोग रिजल्टेंट फोर्स जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? तो इसके लिए अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए आपके पास में कोई भी सेक्शन है और यहाँ पे तुम्हारे पास में कर्व बना कुछ ऐसे, ये हो जाएगा लीनियर। तो यहाँ पे एफ एफ है और यहाँ पे स्ट्रेस जीरो है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे लीनियर है। तो इसके लिए अगर तुम्हें रिजल्टेंट फोर्स लिखना है यानी कि पी अगर लिखना है तो क्या लिखा जाएगा, पी लिखा जाएगा एवरेज स्ट्रेस, एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ सेक्शन, इंटू एरिया ऑफ सेक्शन,
एरिया ऑफ सेक्शन का मतलब ये वाला, तो ये आपके पास में रिजल्टेंट जो दिया जाएगा वो इसके द्वारा दिया जाएगा। तो कहीं पे भी किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तब आपको ये वाला कंसेप्ट लगाना होगा लीनियर वाले बिहेवियर के लिए। दूसरा हो जाएगा पार्ट टू। पार्ट टू क्या हो जाएगा, इफ स्ट्रेस डायग्राम इज, इफ स्ट्रेस डायग्राम इज नॉन लीनियर, स्ट्रेस डायग्राम इज नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब ये हो गया कि तुम्हारे पास में कर्वेचर जो शेप बन रहा हो पैराबोलिक, क्यूबोइड या कुछ भी शेप में बन रहा है, नॉन लीनियर शेप में बन रहा है, और कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब ये हो गया कि तुम्हारे पास में यहां से यहां तक रेक्टेंगल हो गया, उसके बाद में लीनियर बिहेवियर हो गया, ऐसा अगर कुछ बन रहा है तब उस केस में आप क्या लिखोगे, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स P दिया जाएगा एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम इनटू विड्थ ऑफ सेक्शन। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में रिजल्टेंट फोर्स। हियर इट इज, दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स, लुक एट हियर। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से निकालना है। अब अगर मैं अपने यहाँ पे कंसेप्ट की बात करता हूं जो मुझे इसे दे रखा है, तो यहाँ पे मेरे पास में स्ट्रेस डायग्राम कैसा है, स्ट्रेस डायग्राम है मेरे पास में यहाँ पे लीनियर, कैसा है लीनियर। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट लगेगा वो क्या लगेगा, यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ सेक्शन। तो यहाँ पे हम देखेंगे रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स, दैट सी, और सी इज इक्वल टू दिया जाएगा एवरेज स्ट्रेस। अभी आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्यों लिखा है एवरेज स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ सेक्शन। सो ये हो जाएगा एवरेज स्ट्रेस। कितना होगा एफ और जीरो, यहाँ पे कितना जीरो, यहाँ पे कितना एफ, तो ये हो जाएगा एफ प्लस जीरो बाई टू एवरेज स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ सेक्शन। एरिया ऑफ सेक्शन हो जाएगा इसका एरिया कितना होगा, दैट इज द बी इंटू डी बाई टू। सो ये हो जाएगा बी इंटू डी बाई टू। सो द सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी इंटू डी बाई फोर, बी इंटू डी बाई फोर इंटू एफ, हाँ बी डी बाई फोर इंटू एफ। ये आपके पास में रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगा इस तरीके से, रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा बी डी बाई फोर इंटू एफ। सिमिलरली आप इसी तरीके से सिमिलरली रिजल्टेंट टेंसाइल फोर्स का वैल्यू भी आप लिख सकते हैं बी डी बाई फोर इंटू एफ। BD by 4 into F, ये हो जाएगा आपके पास में कुछ ऐसे, लुक एट दिस। तो ये रिजल्टेंट टेंसाइल फोर्स, रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स। इन दोनों फोर्स के बीच में जो लीवर आर्म होगा, इन दोनों फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको डिनोट किया जाता है लीवर आर्म के द्वारा। अब लीवर आर्म क्या होगा, तो हम ये जानते हैं कि भाई ये रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा स्ट्रेस डायग्राम के सीजी पे। ये रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स यानी कि सी कहाँ एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा स्ट्रेस डायग्राम के सीजी पे। तो स्ट्रेस डायग्राम का सीजी कहाँ हो जाएगा, स्ट्रेस डायग्राम का सीजी हो जाएगा h/3 पे। तो ये हो जाएगा h/3 यानी कि 1/3 इंटू डी बाई टू, 1/3 इंटू डी बाई टू
राइट। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में डी बाई सिक्स, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में डी बाई सिक्स, सो दैट्स गोइंग टू बी डी बाई सिक्स। इसी तरीके से यहाँ पे ये एक्ट करेगा सेम उस वैसा का वैसा, तो ये हो जाएगा वन बाई थ्री इंटू डी बाई टू, दैट इज ऑल्सो द डी बाई सिक्स। तो भाई तुम्हारे पास में लिवर आर्म क्या दिया जाएगा, लिवर आर्म दिया जाएगा डी माइनस डी बाई सिक्स माइनस डी बाई सिक्स। पूरे इस टोटल डेप्थ में से हमने क्या किया, डी बाई सिक्स माइनस कर दिया, तो मेरे पास में ये बच जाएगा टू डी बाई थ्री, टू डी बाई थ्री, ठीक है ना। सो दैट इज गोइंग टू बी द लिवर आर्म। तो लिवर आर्म क्या लिखा जाएगा, लिवर आर्म लिखा जाएगा टू डी बाई थ्री, दैट इज द लिवर आर्म। अब अगर हम इसके लिए मोमेंट का वैल्यू लिखें, अगर इसके लिए हम लोग मोमेंट का वैल्यू लिखें, तो हम ये जानते हैं फिर तुम्हारे पास में आरसीसी का कंसेप्ट या सोम का कंसेप्ट कि भी मोमेंट क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो मोमेंट तुम्हें दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, मोमेंट तुम्हें दिया जा रहा है वो दिया जाएगा एम इक्वल टू, एम इक्वल टू सी इंटू लिवर आर्म और टी इंटू लिवर आर्म, एम इक्वल टू टी इंटू लिवर आर्म, टी इंटू लिवर आर्म, ठीक है ना। तो ये आपके पास में वैल्यू लिख दिया जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो एम हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एम हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और वो दिया जाएगा एम इक्वल टू, सी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू हो जाएगा बी डी बाई फोर, बी डी बाई फोर इंटू एफ इंटू लिवर आर्म, लिवर आर्म क्या हो जाएगा टू डी बाई थ्री, टू डी बाई थ्री, दैट इज द लिवर आर्म। सो यहां पे अगर हम देखें m का वैल्यू, तो m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा द मोमेंट इज बी डी स्क्वायर बाई सिक्स, टू से फोर कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा दो, तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर बाई सिक्स इंटू एफ इंटू एफ। सो ये आपके पास में मोमेंट का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज द सेफ मोमेंट, दैट इज द सेफ मोमेंट। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बी डी स्क्वायर बाई सिक्स को फॉर्मुलेशन कर लेते हैं सोम से। तो सोम क्या कहता है, फ्रॉम सोम, सोम से हम ये जानते हैं कि हमारे पास में मान लीजिए ये कोई एक रेक्टेंगल सेक्शन दिया है और उस रेक्टेंगल सेक्शन के सीजी पे अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्सिया अगर कैलकुलेट करना आई एक्स एक्स, तो वो क्या लिखा जाएगा, वो क्या लिखा जाएगा, अगर ये डायमेंशन बी दे रखा है और ये डेप्थ अगर डी दे रखा है तो क्या लिखा जाएगा, आई एक्स एक्स लिखा जाएगा बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर बाय 12। एंड वाई डिस्टेंस पे यानी कि एक्सट्रीम फाइबर पे स्ट्रेसेस कहां तक पहुंच रही है, एफ वाई पहुंच रही है, तो वाई का वैल्यू हो जाएगा डी बाय 2। तो सेक्शन मॉडुलस दिया जाता है, सेक्शन मॉडुलस जो दिया जाता है वो दिया जाता है जेड ई के द्वारा और ये हो जाएगा आई बाई वाई, आई बाई वाई यानी कि जेड ई जो तुम्हें देगा वो क्या देगा, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, वो देगा आई बी डी स्क्वायर बाय 12 डिवाइडेड बाय डी बाय 2। तो ये आपके पास में आ जाएगा बी डी स्क्वायर बाय 6, बी डी स्क्वायर बाय 6 यानी कि तुम जहां पे बी डी स्क्वायर बाई सिक्स आ रहा है वहां पे जे डी का वैल्यू लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे अगर देखता हूं तो मेरे पास में एम इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, जेड ई इंटू एफ, जेड ई इंटू एफ, दैट इज द सेफ मोमेंट, दैट इज द सेफ मोमेंट। अब यहां पे कोई डाउट हो तो बताइए किसी को भी, दैट इज द सेफ मोमेंट, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए किसी को भी, एनी वन प्लीज, एनी वन प्लीज। हाँ बी डी क्यू बाई 12 होगा, सॉरी सॉरी बी डी क्यू बाई 12 होगा, ये लिखने में हो गया। फाइनल आंसर सही है,
ओके इज क्लियर टू ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे पास में सेफ मोमेंट का पूरा एक्सप्लेनेशन है जो हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से अगर मैं यील्ड मोमेंट की बात करता हूं, सेकंड पे सेकंड हो जाएगा यील्ड मोमेंट। यील्ड मोमेंट में आपको जो मोमेंट का वैल्यू दिया जाएगा वो हो जाएगा एम वाई, दैट इज द यील्ड मोमेंट। ठीक है ना, ये हो जाएगा यील्ड मोमेंट। और यील्ड मोमेंट के लिए अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, द सेक्शन इज द सेम, दैट इज द इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज द स्ट्रेस डायग्राम। सो सब कुछ सेम है जैसा हमने सेफ मोमेंट के अंदर लिखा था। ओनली वेरिएशन कहाँ होगा, वेरिएशन होगा एफ की जगह क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू एफ वाई, यहाँ पे भी एफ इज इक्वल टू एफ वाई, यहाँ पे हो जाएगा इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, दैट ऑल आर पॉइंट सेम, दैट इज द बी एंड दिस इज द डी बाई टू, दिस इज द डी बाई टू, दैट इज द डी बाई टू, डी बाई टू। ठीक है, सब कुछ सेम है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यील्ड मोमेंट। मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग बुक नहीं छाप रहे हैं, तो हमारे पास में जो सीधा रिजल्ट अगर लिखा जा सकता तो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यील्ड मोमेंट एम वाई दैट इज इक्वल टू जेड ई इंटू एफ वाई, बस खत्म। ये सेफ मोमेंट के अंदर क्या था हमारे पास, सेफ मोमेंट के अंदर मेरे पास में जेड ई इंटू एफ था, यहाँ पे एफ की जगह क्या आ जाएगा, एफ वाई आ जाएगा, बस इतना सा अंतर है। दैट इज द यील्ड मोमेंट, दैट इज द यील्ड मोमेंट, दैट इज द यील्ड मोमेंट। ये आपके पास में आंसर आ चुका है। द नेक्स्ट पार्ट, यहां तक तो आप लोगों ने बड़े आसानी से सब कुछ वैल्यू निकाल दिया। अब आते हैं हम लोग प्लास्टिक मोमेंट पे, जो अपना प्लास्टिक एनालिसिस है उसके लिए। तो जब हम प्लास्टिक मोमेंट पे आते हैं दोस्तों, तो प्लास्टिक मोमेंट पे क्या हो जाएगा वो देख रहे हैं। तो थर्ड हो जाएगा प्लास्टिक मोमेंट। प्लास्टिक मोमेंट, तो प्लास्टिक मोमेंट के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास में जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे। ये हो जाएगा दैट इज द सेक्शन बी एंड दिस इज गोइंग टू बी द डेप्थ डी, दैट इज द डेप्थ डी एंड दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, और इसके करस्पोंडिंग जो स्ट्रेस डायग्राम बनेगा वो डायग्राम बनेगा प्योरली रेक्टेंगल, प्योरली रेक्टेंगल। सो लुक एट दिस, दिस इज द स्ट्रेस डायग्राम, दैट इज द स्ट्रेस डायग्राम, और इसमें तुम्हारे पास में स्ट्रेसेस हो जाएगी एफ वाई, यहाँ पे स्ट्रेस होगी एफ वाई, यहाँ पे स्ट्रेस होगा एफ वाई एंड यहाँ पे स्ट्रेस हो जाएगा एफ वाई। सिमिलरली अगर हम देखें तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास में कंप्रेशन फोर्स, यहाँ पे हो जाएगा टेंसाइल फोर्स, दैट इज द टेंशन एंड कंप्रेशन। अब मेरे पास में यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेस डायग्राम देख रहा हूँ तो मेरे पास में स्ट्रेस डायग्राम क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट का एग्जाम्पल हो गया। सो ये न्यूट्रल एक्सिस है तो ये डी बाई टू डिस्टेंस पे होगा। तो अगर मुझे सी का वैल्यू कैलकुलेट करना है या टी का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके पास में
सी का वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा एवरेज स्ट्रेस। एवरेज स्ट्रेस क्या होगा, एफ वाई प्लस एफ वाई बाई टू। तो ये हो जाएगा एफ वाई प्लस एफ वाई बाई टू इंटू एरिया ऑफ सेक्शन। एरिया ऑफ सेक्शन क्या होगा, ये वाला सेक्शन, बी इंटू डी बाई टू, दैट इज बी इंटू डी बाई टू। तो यहाँ पे अगर आप C का वैल्यू लिखोगे तो ये हो जाएगा बी डी बाई फोर बी डी बाई टू इंटू एफ। ये हो जाएगा बी डी बाई टू इंटू एफ। तो ये हो जाएगा बी डी बाई टू इंटू एफ वाई। हियर इट इज, दैट इज अ रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स, दैट इज अ रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स। सिमिलरली रिजल्टेंट टेंसाइल फोर्स अगर आप देखोगे, ये हो गया सिमिलरली रिजल्टेंट टेंसाइल फोर्स अगर आप देखोगे तो वो क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा सेम वैल्यू होगा, तो दैट इज बी डी बाई टू इंटू एफ वाई, बी डी बाई टू इंटू एफ वाई। ये तुम्हारे पास में रिजल्टेंट टेंसाइल एंड रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स आ गया। अब हम ये अच्छे से जानते हैं कि भाई कोई भी फोर्स जो एक्ट करता है वो एक्ट करेगा स्ट्रेस डायग्राम के सीजी पे। तो मेरे पास में स्ट्रेस डायग्राम बना रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का सीजी कहाँ होता है, एच बाई टू पे। रेक्टेंगल का सीजी हो जाएगा एच बाई टू पे, तो यहाँ पे हो जाएगा वन बाई टू। ये हो जाएगा तुम्हारे पास वन बाई टू इंटू एच, एच कितना है यहाँ पे डी बाई टू, तो ये हो जाएगा डी बाई टू यानी कि डी बाई फोर। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा सिमिलरली द सेम थिंग, वन बाई टू इंटू डी बाई टू, दैट बिकम डी बाई फोर, दैट बिकम डी बाई फोर। इन दोनों फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस दिया जाता है लिवर आर्म के द्वारा, और लिवर आर्म जो दिया जाएगा वो हो जाएगा डी माइनस डी बाई फोर ये वाला एंड डी बाई फोर ये वाला। सो दैट बिकम डी बाई फोर माइनस डी बाई फोर। सो लिवर आर्म हो जाएगा टू डी, सॉरी लिवर आर्म हो जाएगा डी बाई फोर डी बाई टू, तो ये हो जाएगा डी बाई टू, ये हो जाएगा डी बाई टू। लिवर आर्म हो जाएगा डी बाई टू, सो दिस इज अ लिवर आर्म। अब अगर आपको मोमेंट लिखना है तो मोमेंट क्या लिखा जाएगा, मोमेंट लिखा जाएगा एम इक्वल टू सी इंटू लिवर आर्म, सी इंटू लिवर आर्म। तो यहां पे मैं सी लिख रहा हूं वो क्या हो जाएगा बी डी बाई टू इंटू एफ वाई, बी डी बाई टू इंटू एफ वाई इंटू डी बाई टू। तो जब मैंने यहाँ पे प्लास्टिक वाला मोमेंट लिखा है तो यहाँ पे वैल्यू भी हो जाएगा MP, ये हो जाएगा MP। सो द MP इज गिवन बाय बी डी स्क्वायर बाय फोर, बी डी स्क्वायर बाय फोर इंटू एफ वाई, इंटू एफ वाई, दैट इज द MP, दैट इज द MP। अब यहाँ पे बी डी स्क्वायर बाई फोर को हम लोग डिनोट कर सकते हैं जेडपी के द्वारा, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एमपी को जो लिखा जा सकता है वो हो जाएगा एमपी इज इक्वल टू जेडपी इंटू एफ वाई। एमपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेडपी इंटू एफ वाई, जेडपी इंटू एफ वाई, दिस इज द वन। तो ये हो जाएगा ZP इंटू एफ वाई, जहां पे ZP होगा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ठीक है जी। अब यहां पे फिर जो है वो डाउट आ गया कि सर ये तो चलो आपने बुक में देख लिया होगा कि सर बी डी स्क्वायर बाई फोर को जेड पी लिखते हैं, आपने लिख दिया, हमने भी देख लिया। हमें कैसे पता चले कि बी डी स्क्वायर बाई फोर को हम जेड पी ही लिखेंगे, क्या मीनिंग होता है जेड पी का, और सेक्शन अगर रेक्टेंगल ना हो तो जेड पी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे डाउट है, यानी कि जेड पी जो आपने लिखा है वो तो ओनली रेक्टेंगल के लिए हो गया ना, बी डी स्क्वायर बाई फोर,
अगर मेरे पास में सेक्शन चेंज कर दूं, कोई भी आर्बिट्री सेक्शन ले लेता हूं, चाहे वो रेक्टेंगल, ट्राइंगल, आई सेक्शन, एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन या कुछ भी सेक्शन ले लेता हूं, उसके लिए जेडपी कैसे कैलकुलेट करूंगा? दैट एग्जैक्टली दैट इज आई वॉन्ट टू नो, बिकॉज सर यहाँ पे इलास्टिक थ्योरी तो काम कर नहीं रही है, प्लास्टिक थ्योरी काम कर रही है, तो मुझे यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि जेडपी कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो एक्सेप्ट जेडपी, किसी को डाउट हो तो बताइए, एक्सेप्ट जेडपी किसी को डाउट हो तो बताइए, एनीवन प्लीज। गुप्ता जी ने लिखा है सर सब में बीडी स्क्वायर बाय 4 ही आएगा ना, गुप्ता जी आंसर है गलत, सब में बीडी स्क्वायर बाय 4 नहीं आएगा, ओनली रेक्टेंगल के लिए है ये। चलो गुप्ता जी का डाउट भी क्लियर करते हैं कि सर जो है स्ट्रेच डायग्राम रेक्टेंगल ही होगा, स्ट्रेच डायग्राम रेक्टेंगल होगा तो सब में बीडी स्क्वायर बाय 4 ही तो आना है। तो एक काम करते हैं, इसको भी जरा देख लेते हैं क्या पॉइंट होता है, कैसे होता है। तो ये एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि आगे आने वाले अभी जस्ट 5 सेकेंड बाद में जो मैं स्टार्ट करूंगा मैटर, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेंट्रेट करिएगा स्क्रीन पे, हर एक वर्ड को, सेंटेंस को ग्रेप करने की यानी कि समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना, राइट। तो ये जरा ध्यान रखिएगा क्योंकि अब जो बता रहा हूं वो एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम देखेंगे प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस यानी कि जेडपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है जब मेरे पास में कोई भी एक आर्बिट्री सेक्शन है यानी कि रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कुलर, होलो सर्कुलर, थिन सर्कुलर, कुछ भी सेक्शन है, उसके लिए हम लोग जेडपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या कंसेप्ट होगा, क्या थ्योरी होगी, वो मुझे इसमें सीखना है। सो नाउ जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन, आई एम नॉट लुकिंग एट द कमेंट बॉक्स, तो आप लोग उसमें अभी करिए मत, आफ्टर 10 मिनट आई विल जो है आपसे डाउट पूछ लूंगा, उस टाइम आप बता दीजिएगा। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन ओनली। सो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जेडपी को लेके, तो जेडपी को लेके हम लोग बात करेंगे जनरल फॉर्मुलेशन, तो हम बात कर रहे हैं जनरल फॉर्मुलेशन यानी कि कॉमन टू ऑल। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कोई भी एक सेक्शन ले रहा हूं, आई डोंट नो व्हाट इज द शेप ऑफ दिस सेक्शन, आई डोंट नो व्हाट इज द शेप ऑफ दिस सेक्शन, बट दिस सेक्शन हैविंग द एरिया ए, इसका शेप कैसा है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। हालांकि अपन बनाया कुछ भी हो लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका शेप हमें नहीं पता है। एंड एनी सेक्शन, यहां पे मैं लिख देता हूं एनी सेक्शन हैविंग एरिया ए, हैविंग एरिया ए, ये एरिया ए रख रहा है। अब प्लास्टिक थ्योरी जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो प्लास्टिक थ्योरी जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। जब हम इलास्टिक थ्योरी की बात कर रहे थे तो हमने इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस को लेकर सारी कहानी लिखी थी, दैट इज इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस and this is also the elastic neutral axis, where it is, here it is, that is the elastic neutral axis. तो elastic neutral axis में हमने ये बोला था कि भाई ये axis जो है वो section के cg से पास होती है, elastic neutral axis section के cg से पास होती है। अगर हम plastic में बात करें तो plastic neutral axis इस पूरे area को दो part में, दो equal part में divide करती है, समझना इस चीज को। मैं क्या कह रहा हूं, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस इस पूरे एरिया को, जो भी इसका एरिया है, ए एरिया हो गया, इस एरिया को दो बराबर बराबर एरिया में डिवाइड कर देगी। तो मैंने ऊपर लिख दिया A1 एरिया, नीचे वाले का लिख दिया A2 एरिया,
नीचे वाले का हो गया ए टू एरिया, तो हम क्या लिखेंगे ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू ए बाई टू, बराबर बराबर एरिया के अंदर क्या कर रही है डिवाइड कर रही है, कौन डिवाइड कर रही है प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। अब जब मेरे पास में यहां पे मैं डायमेंशन शो करता हूं तो दोस्तों मेरे पास में ये हो जाएगा विड्थ बी एंड ये डेप्थ डी, ये हो जाएगा डेप्थ डी, तो मेरे पास में टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया हो गया बी डी, बी इंटू डी। यहां पे अगर आप देखोगे तो टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया हो गया यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी इंटू डी। अब अगर तुम्हें इसका हाफ एरिया करना है, अगर इसका हाफ एरिया करना है तब आप क्या करोगे, इसको करोगे ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू बी डी बाय टू, डी डी बाय टू, यानी कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जो होगा वो कहां पे आएगा डी बाय टू डिस्टेंस पे आएगा, तो यहां पे हम लोग इसको लिख देते हैं दैट इज द डी बाय टू, दैट इज द डी बाय टू। कैसा भी शेप बना हो आपको न्यूट्रल एक्सिस वहीं पे निकालना, कैलकुलेट करना है जहां पे बराबर एरिया में डिवाइड करती है, ठीक है। चलिए तो यहां पे अगर हम इसके लिए स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करें तो स्ट्रेस डायग्राम तो जो होगा वो तो हमेशा प्लास्टिक मोमेंट पे रेक्टेंगल ही बनेगा, स्ट्रेस डायग्राम जो होगा वो तो प्लास्टिक मोमेंट पे रेक्टेंगल ही बनेगा। This is the rectangle. So here I say the stress value is the Fy. यहाँ पे हो जाएगा Fy. यहाँ पे होगा Fy. यहाँ पे होगा Fy. अब यहाँ पे क्या कहता है concept कि भाई तुम्हारे पास में यहाँ पे force लगेगा, वो लगेगा C1. Sorry C. Resultant compressive force. यहाँ पे हो जाएगा resultant tensile force. Resultant tensile force T. तो दोस्तों अगर मैं इसके लिए फॉर्मुलेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स लिखा जाएगा C इज इक्वल टू एवरेज स्ट्रेस एफ वाई प्लस एफ वाई बाई टू, एफ वाई प्लस एफ वाई बाई टू इंटू एरिया ऑफ सेक्शन, एरिया ऑफ सेक्शन इसका ए वन का एरिया किसके बराबर हो गया ए बाई टू के, तो मैं या तो ए बाई टू लिख दू या फिर ए वन लिख देता हूं, ए वन लिख दिया तो C इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में A1 वन इंटू एफ वाई, सी क्या हो जाएगा A1 वन इंटू एफ वाई, लोकेट दिस C इज इक्वल टू दिस वन। सिमिलरली अगर मैं T का इक्वेशन लिखूंगा तो T का इक्वेशन हो जाएगा A2 टू इंटू एफ वाई, ए टू इंटू एफ वाई, A2 into Fy, that is the C or T. अब अगर इन दोनों का लीवर आर्म देखा जाए, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो दिया जाएगा तुम्हें लीवर आर्म के द्वारा, that is the लीवर आर्म के द्वारा। तो लीवर आर्म क्या होगा, यहां पे तुम्हें ध्यान रखना है लीवर आर्म दिया जाएगा वो दिया जाएगा यहां पे होगा, देखो मैं इसको इधर कर देता हूं, लीवर आर्म हो जाएगा कि तुम्हारे पास में ये जो रिजल्टेंट होगा स्ट्रेस डायग्राम के सीजी पे लाई करेगा और ये भी स्ट्रेस डायग्राम के सीजी पे लाई करेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि भी लीवर आर्म का जो इस फोर्स का जो सीजी का डिस्टेंस होगा रिजल्टेंट फोर्स के सीजी का, यानी कि जहां पे ये एक्ट कर रहा है उसका न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस होगा वाई वन बार, उसका न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस होगा वाई वन बार, और ये हो जाएगा इसका न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस होगा y2 बार, y2 बार। अब y1 बार और y2 बार क्या है, तो यहां पे लीवर आर्म हम लिखेंगे y1 बार प्लस y2 बार, y1 बार प्लस y2 बार, इसको तो मैं अभी यहीं पे लिख देता हूं, पहले इसको समझा देता हूं, ये हो जाएगा लीवर आर्म इज इक्वल टू y1 बार प्लस y2 बार, दैट इज द लीवर आर्म, दैट इज द लीवर आर्म। y1 बार और y2 बार को भी होल्ड कर दो, आई विल एक्सप्लेन यू, जस्ट इसके बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में लीवर आर्म, ये हो जाएगा लीवर आर्म, ठीक है ना। सो हियर इट इज। अब अगर तुम्हें मोमेंट का वैल्यू लिखना है तो मोमेंट क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा mp इज इक्वल टू c इंटू लीवर आर्म, c इंटू लीवर आर्म,
और टी इंटू लीवर आर्म, इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो सी इंटू लीवर आर्म अगर आप देखोगे तो सी हो जाएगा आपके पास में, दैट इज ए वन इंटू एफ वाई, ए वन इंटू एफ वाई इंटू लीवर आर्म, लीवर आर्म हो जाएगा वाई वन बार प्लस वाई टू बार, तो ये हो जाएगा y1 बार प्लस y2 बार, दैट इज द लीवर आर्म। तो यहां पे हम ये जानते हैं कि MP जो दिया जा रहा है A1 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा A by 2 के बराबर, तो A1 लिखा जाएगा A by 2, A by 2 इंटू y1 बार प्लस y2 बार इंटू fy, इंटू fy। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं MP इज इक्वल टू ZP इंटू एफ वाई, ZP इंटू एफ वाई। तो यहां पे ZP लिखा जाएगा प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, और ये दिया जा रहा ZP इज इक्वल टू दैट इज A बाई टू इंटू वाई वन बार प्लस वाई टू बार, y1 बार प्लस y2 बार, ये दिया जाएगा तुम्हें ZP। अब यहां पे तुम्हारे पास में डाउट के लिए जो चीज है वो है y1 बार और y2 बार क्या है, तो y1 बार और y2 बार हो जाएगा दैट इज द y1 बार एंड दिस इज द y2 बार। अब इसको लिखने से पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं क्या लिखना चाहता हूं मैं, ताकि जब मैं सेंटेंस लिखूं तो आपको क्लियर दिमाग में बैठता रहे। मान लीजिए मेरे पास में ये कोई एक सेक्शन है, ये कोई एक सेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस सेक्शन, और इस सेक्शन के लिए अगर मैं डायमेंशन देता हूं तो ये मैंने डायमेंशन दे दिया 400 इंटू 40 16, एंड ये मैंने दे दिया 300 इंटू 30। तो यहां पे तुम्हारे पास में टोटल एरिया कितना होगा, यहां पे अगर आप देखोगे तो टोटल एरिया हो जाएगा, वो हो जाएगा 400 इंटू 40 प्लस 300 इंटू 30, सो द टोटल एरिया इज 25,000 का अगर आप हाफ करते हैं तब उस केस में कितना होगा, थोड़ा इसमें डेटा चेंज कर रहा हूं ताकि आपको इसमें जो बताना चाह रहा हूं वो समझ में आ जाए। यहां पे मैं लिख रहा हूं वेट वन मिनट, मैं इसका डेटा चेंज कर देता हूं, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 300। यहां पे हम डायमेंशन ले लेते हैं 300 इंटू 30, और इसका मैं डायमेंशन ले लेता हूं 400 इंटू 40, 400 इंटू 40 सेम डेटा रख रहा हूं, एरिया तुम्हारे पास में वही आ गया। तो इसका अगर आप a by 2 करोगे तो a by 2 कितना हो जाएगा, a by 2 हो जाएगा 25000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 12500, ये आपके पास में a by 2 का एरिया हो गया। तो सीधी सी बात है 12500 की एरिया पे तुम्हारे पास में प्लास्टिक न्यूटलेक्सिस होगी। तो वेब का एरिया कितना है, वेब का एरिया 400 × 40 यानी कि 16000 एरिया हो रहा है। तो 12000 का मतलब ये हो गया कि मेरे पास में एरिया जो आएगा वो यहाँ कहीं आएगा, यानी कि प्लास्टिक न्यूटलेक्सिस का लोकेशन अगर आप देखोगे तो वो तुम्हें यहाँ मिलेगा। ये जो एरिया हो गया, ये जो डायमेंशन हो, ये जो एरिया हो गया किसके बराबर हो गया 12500 के, और ऊपर जो एरिया है ये वाला जो एरिया है ये एरिया कितना है 12500।
तो दोनों बराबर बराबर एरिया में डिवाइड हो गए। इसमें कोई डाउट हो बताइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में, इसके अंदर हमने बराबर बराबर कर दिया। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास में जब इसके लिए आप स्ट्रेस डायग्राम बनाओगे तो स्ट्रेस डायग्राम तो रेक्टेंगल ही बनेगा। जब रेक्टेंगल बनेगा तो हम ये कहते हैं कि उसका सीजी जो है वो सीजी लाई करेगा। कैसे वो सीजी लाई करेगा? कुछ इस तरीके से, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो भी सेक्शन है तुम्हारे पास, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो भी सेक्शन है उसके इलास्टिक सीजी का डिस्टेंस फ्रॉम द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस वो हो जाएगा वाई वन बार। ठीक है दोस्तों, तो वाई वन बार क्या होगा? वाई वन बार होगा डिस्टेंस ऑफ इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस ऑफ सेक्शन अबव प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो भी एरिया है उसका इलास्टिक सीजी का डिस्टेंस कहां से? प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से। ये हो जाएगा वाई वन बार। अब ये वाई वन बार कैसे निकलेगा? तो ये वाई वन बार आपका निकलेगा कुछ इस तरीके से। इस डायग्राम को बना लो कुछ अलग वापस ऐसे। सोम के अंदर आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो ये आपके पास में हो जाएगा कुछ ऐसे। तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 30, इसका विड्थ 40 दे रखा है और ये डेप्थ कितना हो जाएगा? तो ये डेप्थ हो जाएगा आपके पास में कुछ भी एक्स डेप्थ मान लो, मैं ये एक्स और वाई मान लेता हूँ, ये वाला डेप्थ में मान लेता हूँ एक्स है और ये डेप्थ मान लेता हूं मैं कुछ जेड मान लेता हूँ, ये जेड मान लेता हूँ। तो ये आपके पास में एक्स डेप्थ हो गया। अब इसका तुम सीजी नहीं निकाल सकते, इसका सीजी कैसे निकालोगे? a1y1 + a2y2 / a1 + a2 से। तो यहाँ पे इसका वाई वन बार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a1y1 + a2y2 / a1 + a2 से। तो वो तुम्हें दे देगा वाई वन बार, देट इज द वाई वन बार। कोई डाउट इसमें? तो इलास्टिक सीजी राइट, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस या इलास्टिक सीजी फ्रॉम द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन अबव द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि इस सेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, इसका हो जाएगा वाई वन बार। सिमिलरली वाई टू बार जो होगा वो हो जाएगा बॉटम वाले सेक्शन पे, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो सेक्शन है उस सेक्शन का सीजी जो होगा, इलास्टिक सीजी होगा उसका डिस्टेंस ठीक है ना, तो वो हो जाएगा तुम्हारे पास में y2 बार। तो y2 बार हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस या सीजी फ्रॉम द प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस ऑफ सेक्शन बिलो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, ये अबव हो जाएगा, ये हो जाएगा बिलो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस ठीक है ना। तो ये हो जाएगा वाई वन बार और वाई टू बार, ये आपके पास में पॉइंट हो जाएगा वाई वन बार और वाई टू बार। तो अब इसके लिए अगर देखोगे y2 बार के लिए आपके पास में सेक्शन कैसा बना है? सेक्शन बना कुछ ऐसा। तो ये डिस्टेंस ये हो गया 40 और ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये हो गया z डिस्टेंस। तो y2 बार क्या होगा? y2 बार तो सिंपल हो जाएगा z/2, बस खत्म। ये हो जाएगा तुम्हारे पास में लीवर आर्म, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा लीवर आर्म इस तरीके से। तो जेड भी निकालने के लिए आपको यहाँ पे तुम्हारे पास में वाई वन बार और वाई टू बार का यूज कुछ इस तरीके से होगा, दैट इज द जेड पी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या हो रहा है कि एक डाउट आ रहा है कि सर हाउ वुड वी नो दैट कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जो है वो दो एरिया में डिवाइड करेगी। ये तो आपने लिख दिया, हम इसको कैसे माने कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जो होती है वो एरिया को
दो बराबर बराबर एरिया में डिवाइड करती है, ये हम कैसे माने? तो चलो मत मानो, ये मैं कभी नहीं बोल रहा, इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी देख लेते हैं। क्या कहता है मैथमेटिकल प्रूफ? तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के बारे में हम ये कहते हैं कि एट द फुल्ली प्लास्टिक स्टेज, एट द फुल्ली प्लास्टिक स्टेज एट द फुल्ली प्लास्टिक स्टेज प्लास्टिक स्टेज देन न्यूट्रल एक्सिस द न्यूट्रल एक्सिस कट द एरिया एरिया इनटू इनटू टू इक्वल एरियाज टू इक्वल एरियाज टू इक्वल एरियाज। ये दो एरिया के अंदर बराबर बराबर डिवाइड कर देती है। कैसे डिवाइड करती है? तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम देखता हूं तो मेरे पास में स्ट्रेस डायग्राम क्या हो जाएगा, ये आपके पास में सेक्शन बना है और इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाओगे तो स्ट्रेस डायग्राम हो जाएगा आपके पास में रेक्टेंगल, ये हो जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में न्यूट्रल एक्सिस, ये हो जाएगा ए वन, ये हो जाएगा ए टू, ये हो जाएगा प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस एफ वाई, यहाँ पे स्ट्रेस एफ वाई, यहाँ पे फोर्स लग रहा है सी, यहाँ पे फोर्स लग रहा है टी। अब हम ये जानते हैं कि यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन सब जगह अप्लाई होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन जो होती है वो सब जगह अप्लाई होती है, यानी कि सी इज इक्वल टू क्या होगा, टी होगा। सी इज इक्वल टू क्या होगा, टी होगा। कैसे? अब ये भी हमें कैसे पता चले कि सर सी इक्वल टू टी होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये नहीं लिखते हैं, पहले वो लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करें, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये हम लिखेंगे सी माइनस टी इज इक्वल टू जीरो, दोनों का अपोजिट साइन है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सी इज इक्वल टू टी, सी इज इक्वल टू टी। अब सी का वैल्यू क्या होता है, सी का वैल्यू हो जाएगा ए वन इंटू एफ वाई, और टी का वैल्यू क्या होगा, ए टू इंटू एफ वाई। नाउ लुक एट हियर, सी वन और सी टू का वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। सी वन हो जाएगा ए वन इंटू एफ वाई, टी हो जाएगा ए टू इंटू एफ वाई, दिस इज द वन। एफ वाई से एफ वाई कैंसिल आउट, तो हम ये कह सकते हैं ए वन इज इक्वल टू ए टू, ए वन इज इक्वल टू ए टू, यानी कि ये हो जाएगा ए बाई टू के बराबर, ए बाई टू के बराबर। ए वन एरिया हो जाएगा कंप्रेशन में, बी टू एरिया हो जाएगा टेंशन में। अब यहां पे आपको मिल गया कि प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस क्या कर रहा है, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस दोनों एरिया, पूरे एरिया को दो बराबर एरिया में डिवाइड कर रहा है। इट इज द मैथमेटिकल प्रूफ। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। तो ये आपके पास में पॉइंट हो जाएगा जिसको लेके आपको समझना है। अब यहां पे आगे बढ़ने से पहले लेट मी अनाउंस यू समथिंग, लेट मी अनाउंस यू समथिंग। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि प्लस पे मेरा फिफ्थ ऑफ अक्टूबर से, फिफ्थ अक्टूबर से स्ट्रक्चरल एनालिसिस शुरू हो रहा है, यानी कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। क्लास का टाइमिंग मॉर्निंग में 7 से लेके 9 होगा, 9 AM। प्लस पे आने के लिए आपको कोड यूज करना है, दैट इज द BL20, दैट इज द अनाउंसमेंट नंबर वन। अनाउंसमेंट नंबर टू, अनअकैडमी ऐप पे स्पेशल क्लास होता है जो कि फ्री है, स्पेशल क्लास होता है जो कि फ्री है सबके लिए। यहां पे मैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस यानी कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ही करवा रहा हूं। ये एक तरीके से मान लीजिए प्लस का एक तरीके से डेमो ही है। इट इज फ्री टू ऑल। क्लास का टाइमिंग जो रखा गया वो रखा गया 10:30 से 12, जिसके अंदर कल की क्लास में गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस होंगे, PYQ डिस्कस होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, मुझे अनअकैडमी ऐप पे फॉलो करना है,
बाय सर्चिंग द नेम बाबूलाल जहांगीर। ठीक है दोस्तों, तीसरा अनाउंसमेंट, सैटरडे को मैराथन सेशन होगा, सैटरडे को मैराथन सेशन होगा, उसमें मैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि टोस का या स्ट्रक्चर एनालिसिस दोनों एक ही है, इसका कोई एक टॉपिक पे मैं मैराथन सेशन लूंगा। द टॉपिक क्या होगा वह फ्राइडे की क्लास में आपको अनाउंस कर दूंगा। मैराथन सेशन का टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग 9 से लेके 12, ये सैटरडे का अनाउंसमेंट है। चौथा अनाउंसमेंट है संडे के लिए, संडे को, अच्छा ये जो होगा मैराथन सेशन वो होगा यूट्यूब पे, ये मैराथन सेशन होगा यूट्यूब पे। ठीक है जी, संडे को अन अकेडमी ऐप पे यानी कि स्पेशल क्लास पे हो सकता है मैं दो क्लास रखूं, स्पेशल क्लास जिसके अंदर दो, जैसे अगर मान लीजिए मैं दो क्लास रख रहा हूं तो उसके अंदर एक रैपिड एंड फायर सेशन का एक जो है वो क्लास चलेगा एक घंटे का, जिसमें अभी तक आपको जो स्टील करवाया गया है उसके क्वेश्चनिंग हम लोग करेंगे। ये होगा अन अकेडमी ऐप पे, इसका टाइमिंग क्या होगा वो आप मुझे अन अकेडमी ऐप पे फॉलो अप करिए, आपको मैसेज आ जाएगा। रैपिड एंड फायर सेशन होगा एक घंटे के अंदर, कम से कम जो है 45 से 50 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे वर्बली बोलूंगा मैं, आपको सुनना होगा, समझना होगा और आंसर देना होगा विद इन ए टाइम, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ये रैपिड एंड फायर सेशन होगा। द पर्पज ऑफ दिस रैपिड एंड फायर सेशन दैट कि आप लोगों का पूरा स्किल रिकॉल हो जाए, बेसिक तुम्हें याद रह जाए और तुम उससे फेमिलियर हो जाओ, ताकि एग्जाम में तुम्हें कुछ नया ना मिले। दूसरा एक पार्ट होगा तुम्हारा सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव पार्ट, जिसके अंदर क्वेश्चन आपके सामने लिखा होगा उसका सॉल्यूशन आपको करना होगा विद इन ए टाइम, गेट ओरिएंटेड। ठीक है जी, तो आई एम प्लानिंग टू पुट दिस टू क्लासेस, बट डेफिनेटली एक क्लास तो होगा ही होगा, प्लानिंग दोनों की कर रहा हूं, ये दोनों ही स्टील पे होगी। ठीक है ना, टाइमिंग क्या होगा इसका, दैट आई विल अनाउंस यू ऑन द सैटरडे क्लास, यानी कि इस मैराथन सेशन में अनाउंस करूंगा। सो दीज आर द फोर अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, एंड व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप लोग इसके जो है वो क्लास को अटेंड करें, डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग। और जिसको सिस्टमेटिक कोर्स करना है वो प्लस पे आए यूजिंग द कोड BL20, यूजिंग द कोड BL20। ठीक है ना दोस्तों, चलिए। सो आगे बढ़ने से पहले लेट मी एक्सप्लेन अबाउट माई सेल्फ एंड अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म। सो ऑल ऑफ यू नो दैट माई सेल्फ बाबूलाल जहांगीर, काफी आप लोग मेरा नाम जान चुके हैं। एमटेक जो है मेरा IIT मद्रास है स्ट्रक्चर के अंदर, तो आप लोग फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। आपको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आपको बताया जाएगा जो आप कभी नहीं भूलोगे। उसका एक आप मोड मान लीजिए या एक तरीके से पढ़ाने का तरीका जो है वो आप यहाँ पे इस क्लास में देख रहे हैं। स्ट्रक्चर के अंदर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, RCC एंड स्टील, पांचों सब्जेक्ट जो है जनरली मैं कवर करता हूँ, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं आएगा। प्लस पे आने के लिए आपको कोड यूज करना है आइदर BL10 और BL20, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, यू विल गेट द 10% डिस्काउंट ओनली। प्लस पे डेली लाइव क्लासेस होगा, बिना कोई रोक टोक के, बिना इस तरीके की मार्केटिंग वगैरह कुछ नहीं होगी उसके अंदर, प्योर क्लास चलेगा जैसे नॉर्मल क्लास चलता है ऑफलाइन के अंदर। और ये मान के चलिए कि जब दो घंटे का या ढाई घंटे का अगर क्लास होगा तो एक फ्लो, एक टाइम लगता है किसी कंसेप्ट का एटमोस्फियर क्रिएट करने में, वो अगर एक बार बन जाता है तो क्वेश्चनिंग बड़े आसानी से बन जाते हैं, कंसेप्ट जो है समझ में आ जाता है। बीच में अगर रोक टोक होती है, कुछ अलग पार्ट होता है, तो कंसेप्ट नहीं बन पाता उतना, फील अच्छा होता है लेकिन कंसेप्ट नहीं होता है। क्रेश कोर्स डिजाइन किया गया, RIB बैच है, बैचेस हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर। डाउट क्लियरिंग सेशन अन अकेडमी ने हर चौथा क्लास डाउट क्लियरिंग सेशन रख रखा है, तो किसी को डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं। वीकली टेस्ट होते हैं। अन अकेडमी ज्वाइन करने का सिंपल सा प्रोसीजर है, डाउनलोड द अन अकेडमी ऐप एंड सेलेक्ट द गोल गेट एंड ESC, क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन एंड प्लान, सेलेक्ट जो आपको करना है वो इन दोनों में से कोई एक करना है, 12 मंथ और 24 मंथ,
यहाँ पे आप अपनी स्मार्टनेस दिखाइए। 12 मंथ का फीस जो है 25,000 है और 24 मंथ का फीस जो दे रखा है वो 30,000, यानी कि ओनली एक्स्ट्रा 5,000 पे करने से आपको 12 मंथ का सब्सक्राइब प्लान मिल रहा है, जिसमें आप जो है कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को सीख सकते हैं। यानी कि अगर आप मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट भी अगर ढंग से सीख लेते हैं तो आपके तो पैसा वसूल हो गया। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर आप जो चाहे वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी देखिए क्या बेनिफिट दिया गया, 30,000 पूरा पे नहीं करना है। अगर आप कोड यूज करेंगे BL10 या 20 तो ये फीस डिडक्ट होके जो है वो 27,000 हो रहा है, यानी कि और भी कम हो रहा है। जिसको फाइनेंशियल इश्यू है ड्यू टू कोरोना वगैरह जो भी पॉइंट है, तो वो बजाज का EMI कार्ड ले सकते हैं, वर्चुअल कार्ड मिलता है आपको। बजाज वाले को ओनली 1125 रुपए पर मंथ पे करना है, बाकी ये आपको पेमेंट करना है हर मंथ 24 मंथ के लिए, 24 महीने के लिए ओनली ये पे करना है। मुझे नहीं लगता कि इसको लेके किसी को कोई इश्यू होगा, तो फाइनेंशियल इश्यू का भी यहाँ पे सोल्यूशन निकला हुआ है। दिस इज द कोड BL10 को यूज करते आप लोग ये एडमिशन ले सकते हैं। दिस इज द, अगर कोई डाउट है किसी पॉइंट के अंदर आप मुझसे फेसबुक पे फ्रेंड्स जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करके डिस्कस कर सकते हैं। दिस इज अ टेलीग्राम लिंक जहाँ पे क्लासरूम नोट्स जो है वो डेली प्रोवाइड हो रहा है। दोनों क्लास प्लास्टिक एनालिसिस के नोट्स मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। दीज आर सम यूट्यूब चैनल्स, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड रिंग बेल पे क्लिक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।